मेरी एंड अभिनीता के साथ आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। पुलिस ने किया अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बड़वानी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी श्री आर डी प्रजापति व श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय अजाक बड़वानी श्री कुंदन मंडलोई के मार्गदर्शन में अवैध हथियारों की पतारसी व कार्यवाही करने संबंधित महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुए थे। आदेश पालन में दिनांक 25 जनवरी 2022 को पुलिस थाना अजड़ एवं जिला पुलिस लाइन बड़वानी से आमद बल की मदद से मुखबिर सूचना पर मय शासकीय वाहन व प्राइवेट वाहन के उप पुलिस अधीक्षक महोदय अजाक बड़वानी श्री कुंदन मंडलोई निरीक्षक सोनू सिटोले मय फोर्स के आरोपी तेजपाल पिता विक्रम सिंह सिकलीगर उम्र 18 वर्ष निवासी नवलपुरा एवं आरोपी जसपाल पिता प्यार सिंह डांगी सिकलीगर उम्र 42 वर्ष निवासी नवलपुरा के घर दबिश देकर उक्त मनु का जब्त किया व आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी जसपाल का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इंदौर की ये संयुक्त कार्रवाई है इसमें हमारे थाना अंजड़ क्षेत्र के नवलपुरा एरिया के 2 लोग हैं जिनको कि हमने एक संयुक्त एफर्ट के तौर पे इनको हिरासत में लिया गया। इन पे इंदौर में भी FIR दर्ज हुई है और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे भी हथियार बरामद हुआ। इसके साथ ही जो इनके मूल ठिकाने थे उन पे हमारी पुलिस ने दबिश मारी। एक कॉम्बिंग ऑपरेशन हमने यहाँ पे लॉन्च किया था जिसमें हमें फायर आर्म्स और इसके साथ में एम्यूनेशन तो मिला ही है, साथ में हमें काफ़ी सारा ऐसा सामान मिला है जो ये औजार बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो लोहे के धारदार हथियार, अन्य इक्विपमेंट, कुछ बेसिक जो फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सामान है वो मिला है हमसे। यहाँ पे इनके पास हमें बारूद भी बरामद हुआ है और काफ़ी मात्रा में हमें खाली कारतूस भी मिला है। तो एक तरह से ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से जो सेटअप बनाया था उसको हमारी पुलिस ने ध्वस्त किया है, उसको पकड़ा है और ये 2 आरोपी इसमें अभी राउंडअप में है पुलिस की हिरासत में। ये पहली बार ऐसा है जब ये जिंदा कारतूस बनाने की प्रक्रिया में थे? आज तक जितने भी पुलिस ने एक्सपोज किए हैं तो इस तरह के कभी कारतूस वाले मामले आए थे क्या सामने? ये निश्चित तौर पर पहले भी कारतूस की बरामदगी तो हुई है लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ था वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता था कि कहाँ से लाया गया है। इस बार चूंकि हमने जो पकड़ा है मटेरियल उससे स्पष्ट है कि लोग यहीं पे बना रहे थे इसको। कुछ हमें फिनिशिंग स्टेज में मिला है, कुछ हमें बीच के स्टेज में मिला है और कुछ बिल्कुल ही शुरुआती दौरे में मिला है। इसका मतलब कि ये लोग ये सामान यहाँ पे बना रहे थे। सर आरोपियों की कस्टडी में कहाँ? आरोपी की कस्टडी अभी इंदौर क्राइम ब्रांच के पास है जिनसे अभी हमारी पुलिस भी इनको अपनी हिरासत में ले। सर कितना कारतूस होंगे इसमें? लगभग 100 नग हमें कारतूस बरामद हुआ है और इसके साथ ही फायर आर्म्स और अन्य इक्विपमेंट जो मैंने बताया। सर इसमें से जो कारतूस जो जब्त किए गए सर तो उसमें सर जो आपने बारूद का बताया तो बारूद की व्यवस्था कहाँ से करते सर? ये अब इनसे पूछताछ करके हम इकट्ठा करेंगे लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बारूद काफ़ी मात्रा में एक तो जो पटाखे में इस्तेमाल होता है वो होता है, इसके अलावा अन्य कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स में भी इस्तेमाल होता है। तो ये लोग कहाँ से खरीद के लाते थे ये इनसे पूछताछ में स्पष्ट हो पाया। सर ये इस रूप में देखा जाए जैसे जो बॉर्डर इलाके आपने सील कर रखे और पुरानी जो कार्रवाई आपने मल्टी और इधर करी है तो उसी को लेकर ये स्विच कर गए इधर ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि राजपुर में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, हमने 18 नग देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए थे वहाँ से। इसी तरह से अभी हाल ही में पिछले एक सप्ताह के अंदर ही वरला में बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें हमने 3 आरोपी और फायर आर्म्स वहाँ से पकड़े थे। तो लगातार दबाव पुलिस ने बना रखा है और इसमें पूरे के पूरे न सिर्फ बड़वानी पुलिस बल्कि आसपास का जो पुलिस है एक यूनिट के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर हो रही है, उनकी पुलिस हमसे बात साझा करती है और हम उनसे बताते हैं। तो एक तरह से एक प्रयास है कि इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम जड़ तक पहुंचे और इसको ध्वस्त करें। सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने प्रयास भी किया था रिहैबिलिटेट करने का तो उस दिशा में कोई प्रयास? देखिए प्रस्ताव एक इनके जो समाज के प्रबुद्ध जन थे जो प्रमुख लोग थे उनके साथ हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई है और एक प्रस्ताव बना के उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया है। जैसा वहाँ से निर्देश